हेलो दोस्तों, लॉर्ड मनी एंगर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का थर्ड और फाइनल पार्ट है, जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आपने पार्ट वन और पार्ट टू इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पर अब तक नहीं देखा है तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आई सजेस्ट आप पहले वो पार्ट देखिए, उसके बाद ये देखिए फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलिए आज के पार्ट की शुरुआत करते हैं, जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलिए समझते हैं कैश फ्लो क्या होता है और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। चलो अज्यूम करो आप एक कंपनी चला रहे हो और आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जहाँ पे सर्विस डिलीवर करने के लिए आपको 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो जैसे ही आप वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके सर्विस दे देते हो, आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देते हो कि हमको इस बंदे से 1 करोड़ रुपए आने हैं। लेकिन ये 1 करोड़ रुपए अब तक आपके पास कैश फॉर्म में आए नहीं है। तो जब वो आपके पास कैश फॉर्म में आएंगे, उस टाइम पे आपके पास एक तीसरा किताब होगा जिसका नाम होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप वहाँ पे 1 करोड़ रुपए का कैश इनफ्लो रिकॉर्ड कर दोगे। तो चलिए अब फटाफट से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात शुरू करते हैं कि ये क्या होती है, इसमें क्या टर्मिनोलॉजीज होते हैं और इसको कैसे पढ़ा जाता है। तो हमारे पार्ट वन और पार्ट टू की तरह यहाँ भी हम TCS की कैश फ्लो स्टेटमेंट लेंगे, जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल। सबसे पहली आइटम जो आपको यहाँ दिखेगी वो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये बेसिकली वो सारे कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं जो आपके डे टू डे बिजनेस से आपके पास आते हैं। तो जब हम इस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस को ब्रेक डाउन करते हैं, हमको सबसे पहली चीज दिखती है जो होती है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मतलब अपने डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से कैश ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे कंपनी ने कितना प्रॉफिट बनाया। दूसरी चीज आपको दिखेगी वो है इन्वेंट्री। मतलब TCS के पास जो सारे गुड्स एंड सर्विसेज रेडी थे, यहाँ के ट्रांजैक्शंस कैसे थे। मतलब अगर इनके पास कोई गुड रेडी है और इन्होंने वो बेच दिया और उसके अगेंस्ट 100 रुपए रिसीव किए, तो वो चीज़ यहाँ आ जाएगी। फिर आ जाएंगे पेएबल्स। एक्सट्रीमली सिंपल, ये वो सारे पैसे जो TCS ने किसी और को देने थे। फिर आ जाते हैं लोन्स एंड एडवांसेस। TCS ने कितना कैश किसी दूसरे पार्टी को एज अ लोन या फिर एज एन एडवांस दिया। फिर आते हैं दो चीज़ें जो है अदर वर्किंग कैपिटल आइटम्स और वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहाँ जाने से पहले समझ लीजिए वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल मतलब वो सारा पैसा जो एक कंपनी को डे टू डे चलाने में यूज होता है। तो ये जो दोनों अकाउंट्स होते हैं वो बस आपको इस वर्किंग कैपिटल में जो चेंज होता है, ये चेंज पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, उस चेंज के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। एंड फाइनली फ्रॉम ऑपरेटिंग कैश फ्लो देर इज एक्सेप्शनल कैश फ्लो आइटम्स। मतलब ये सारी चीज़ें TCS रोज एक्सपेक्ट नहीं करता, ये कभी कभार होती है, वो चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि अब तक हमने रिसीवेबल्स ये पार्ट नहीं समझाया, लेकिन अगर आप अब तक पूरी चीज़ समझ गए हो तो रिसीवेबल्स क्या है ये आप हमें खुद बता सकते हैं। तो अगर आप जानते हो वो क्या है तो कमेंट्स में बताइए। देखो ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट कैश फ्लो होता है, क्योंकि ये आपको बता रहा है कि एक कंपनी अपने डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से कैश को कैसे मैनेज कर रही है। अज्यूम कीजिए एक कंपनी आपको बोलती है कि हमने इस साल 1000 करोड़ रुपए बनाए, लेकिन उस कंपनी के कस्टमर्स ने इनको सिर्फ अब तक 100 करोड़ रुपए भेजे हैं, बाकी के 900 करोड़ आना बाकी है। अगर इस कंपनी ने बड़े बड़े लोन्स ले लिए ये सोच के कि हम तो 1000 करोड़ बना रहे हैं, और अगर वो इन सारे लोन्स को चुका ही नहीं पाई तो कंपनी बंद भी हो सकती है। इसीलिए ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो होता है वो आपको सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट एक कंपनी कितनी एफिशिएंट है व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग इट्स डे टू डे ऑपरेशंस। इसीलिए हमेशा याद रखना कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो जब पॉजिटिव होता है और हाई होता है, इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग। नॉर्मली जब एक कंपनी के अर्निंग्स और उनके ऑपरेटिंग कैश फ्लो ज़्यादा दूर ना हो, दैट टेल्स यू द कंपनी इज एफिशिएंट। आप TCS की केस देख लो, यहाँ पर इनका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो नेट प्रॉफिट से ज़्यादा है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। आपको ऐसी भी कंपनीज मिलेंगे जिनका ये फिगर अपने नेट प्रॉफिट से कम है, और ऐसी भी कंपनीज मिलेंगे जो नेट प्रॉफिट तो बता रहे हैं लेकिन इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव है। मतलब ये अपने कैश को ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट, दैट इज कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मतलब एक साल में कंपनी जैसे अपने पैसे इन्वेस्ट करती है अलग अलग जगहों पे, इस इन्वेस्टमेंट का ब्रेकडाउन कैसा था इन कैश टर्म्स। मतलब एक कंपनी सिंपली अग्रीमेंट कर सकती है कि हम इस बिल्डिंग को खरीदने वाले हैं, लेकिन उस बिल्डिंग के पैसे अब तक दिए नहीं, तो ये चीज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगी जब तक वो कंपनी जाके उस बिल्डिंग के पैसे ना दे दे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको दिखेगी वो होगी फिक्स्ड एसेट्स परचेज। मतलब अगर TCS एक बिल्डिंग खरीद लेती है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, या TCS ने लैंड खरीदा तो यहाँ पे आएगा। बेसिकली वो सारी चीज़ें जो TCS लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकता है, जिसके लिए उन्होंने अभी कैश भर दिया है,
वो चीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी। फिर दूसरी आइटम होती है फिक्स्ड एसेट्स परचेस्ड का ऑपोजिट, फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड। फिर तीसरी आइटम और चौथी आइटम होते हैं इन्वेस्टमेंट्स परचेस्ड एंड इन्वेस्टमेंट्स सोल्ड। ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, मतलब अगर TCS जाके कोई स्टॉक्स खरीदते हैं या कोई बॉन्ड्स खरीदते हैं या किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो वो चीज़ यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगी। फिर आता है इंटरेस्ट रिसीव्ड, मतलब अगर TCS ने कोई बॉन्ड्स खरीद के रखे हैं तो बॉन्ड्स का आपको ना इंटरेस्ट मिलता है, तो ये जो इंटरेस्ट इनके पास आता है वो यहाँ पे सेपरेटली इंटरेस्ट रिसीव्ड वाले सेगमेंट में रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर आता है डिविडेंड्स रिसीव्ड, मतलब TCS ने जो सारे शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है उस शेयर्स से जो डिविडेंड आता है वो यहाँ रिकॉर्ड होगा। फिर आता है एक्विजिशन ऑफ कंपनीज, मतलब TCS अगर किसी कंपनी को जाके खरीद लेती है तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगी। एंड देन कम्स इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट्स। आपको ये बात पता होगी कंपनीज एक दूसरे के पास डिपॉजिट्स भी रखते हैं, जैसे बैंक FD होती है वैसे कई बार कंपनीज भी एक दूसरे के साथ FD मेंटेन करते हैं, तो ये चीज़ आ जाती है इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट्स में। एंड फाइनली आते हैं अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स, यहाँ पे वो सारी चीज़ें आ जाती है जो ऊपर के किसी भी क्राइटेरिया में फॉल नहीं करेंगे। एक और चीज़ याद रखना, अदर वाली कोई भी सेक्शन, चाहे वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हो या बैलेंस शीट में हो या फिर एक कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में हो, ये हमेशा मैनेजमेंट डिस्क्रेशन के बेसिस पे होते हैं, मतलब मैनेजमेंट डिसाइड करती है यहाँ पे क्या डालना चाहिए। इसीलिए हमेशा किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फुटनोट्स पढ़ना, इन फुटनोट्स में आपको बहुत कुछ पता चलता है, जैसे मैनेजमेंट ने कौन सी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस यूज किए हैं या फिर ऐसे कोई चीजें हैं जो लोगों को लगता है कि यार ये शायद फिक्स्ड एसेट में आ सकता है लेकिन मैनेजमेंट को लगता है कि नहीं, हम इसको जैसे यूज कर रहे हैं वो फिक्स्ड एसेट में नहीं आना चाहिए, हमको वो कहीं और रिकॉर्ड करना है। तो ये जो सारे छोटे मोटे चीजें होते हैं ना जो आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे वो आपको फुटनोट्स में ही मिलेंगे, तो इसको हमेशा पढ़ना। तो जब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग की बात आती है, ये पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव? इन मोस्ट केसेस कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग नेगेटिव हुआ तो अच्छी बात होती है, मतलब आप ये देख सकते हो कि कंपनी अपने पैसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रही है, वो इन पैसों को ऐसे ही कैश फॉर्म में एक बैंक अकाउंट में नहीं सड़ने दे रही। अब चलते हैं तीसरे और फाइनल कैटेगरी की तरफ, जो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको दिखती है वो है प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स। अज्यूम कीजिए आपने IPO किया या फिर आपने राइट्स इशू या FPO किया, तो इन शेयर्स को बेच के जो पैसे आपके पास हाथ में आए वो यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे। फिर आते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग्स। आपने जाके बैंक से लोन लिया 1 करोड़ रुपए का, बैंक जब आपको ये 1 करोड़ रुपए हाथ में देती है यूज करने, वो यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं। फिर आता है रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स। इट्स वेरी ऑब्वियस, ये जो लोन आपने लिया है जब वो आप वापस देते हो वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है। फिर आता है इंटरेस्ट पेड, आपने कहीं से लोन लिया था तो इस लोन पे जो ब्याज आप चुकाते हो सिर्फ वो ब्याज यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। फिर आता है डिविडेंड्स पेड, वेरी ऑब्वियस, जो कंपनी आपको शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है वो डिविडेंड का जो कैश आउटफ्लो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। फिर आते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटीज, मतलब अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पैसे देने हैं तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगे। एंड देन कम्स अदर फाइनेंसिंग आइटम्स, मतलब वो सारी चीज़ें जो इन ऊपर की कैटेगरीज में नहीं फिट हो सकती वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाती है। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव, दिस इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव टाइप ऑफ कैश फ्लो, मतलब आपने कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग का ब्रेकअप देखना है। तो अगर आप देखते हो कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग पॉजिटिव है तो आपने देखना है ये पॉजिटिव क्यों है, कंपनी ने बहुत से लोन्स लिए हैं इसीलिए पॉजिटिव है या कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही इसीलिए पॉजिटिव है। सो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग इज एक्सट्रीमली सब्जेक्टिव, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस मॉडल, आपने डिसाइड करना है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो ऑन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए एक ऐसी कहावत है फाइनेंस में जो है रेवेन्यू इज वैनिटी, प्रॉफिट्स आर सैनिटी एंड कैश फ्लो इज रियलिटी। इसको आपने हर बार याद रखना है एवरी टाइम यू आर एनालाइजिंग अ कंपनी, क्योंकि कैश फ्लो आपको ग्राउंड रियलिटी के बारे में बताता है। और एक बहुत बड़ा बोनस यहाँ पे है जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट को इतना इजीली मैनिपुलेट किया नहीं जा सकता, किया जा सकता है लेकिन नेट इनकम या फिर बैलेंस शीट को जितना आसानी से एक कंपनी घुमा फिरा सकती है उतने आसानी से कैश फ्लो स्टेटमेंट को नहीं घुमा सकती। तो एज ऑलवेज अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए सो दैट आप आगे के वीडियोज मिस ना करें। और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ फॉर 2 things, number 1 वॉचिंग द वीडियो एंड number 2 फॉर एंगेजिंग विद मी एंड कॉन्स्टेंटली स्टेइंग कनेक्टेड। मैं ऐसे ही आपके लिए और वीडियोस लाते रहूँगा, तो आपको मिलूंगा मैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।